ओम शांति। आज है 11 जून 2022 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर बोझ समस्या नहीं डालते, सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं, नर चाहत कुछ और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सच खंड बनाना, तो सच खंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। गीत आज के इंसान को। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते ओम शांति, जहां तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहां बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसको ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीवात्मा बनने बिगर जीवात्माओं को समझा न सके। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शरीर लेना तब होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं, रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आज्ञ वैश्य वर्ण क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखाते थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्कर में तुम आते हो, कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है क्योंकि वे संपूर्ण हैं। उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी सम्मुख बैठे हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है, जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेध अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहाँ? भारत में। सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है।
ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है, उसको कहते ही हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो, बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है, यह है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर की जाती है, वह सबसे तीखी जाती है। इनका पाठ है मुख्य, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, लक्ष्मी माना धन देवी कहते हैं ना, इनके घर लक्ष्मी है अर्थात संपत्ति बहुत है, लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आवाहन करेंगे। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी, इनका नाम है सरस्वती, एक ही नाम बस है। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो, इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, शास्त्रों में भी यह कोई बातें नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे हैं, शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हैं। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप, वह है बागवान। तुम नंबर वार माली हो, जो अच्छे अच्छे माली हैं वह औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैंपलिंग लगाते रहते हैं, नंबर वार हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला, शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं, यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह रूहों को देते हैं, और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं, ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं, यह है ही झूठी दुनिया, सब झूठी झूठ है। असल में पहले झूठे जहरात थे नहीं, अभी तो झूठे कितने हो गए हैं, सच्चे रखने नहीं देते। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ, पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी है। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण न बने तो वर्षा कैसे मिल सके, यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, एक टांग रावण की बोट में दूसरी टांग राम की बोट में है, तो नतीजा क्या होता है, चीर जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं, कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाप कहते हैं धंधा धोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए, ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे, यह है ही राजस्व, प्रजा स्व नहीं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे यह मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं, तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं, बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रेजुविनेट होते हैं। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर गोरा बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है, इसलिए ही भंभोर को आग लगती है जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। यह है बेहद की बातें, यह बेहद का आइलैंड है, वह है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं, अनेक टापू हैं, परंतु यह सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है,
गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई है। वहाँ एक दो को मारते नहीं हैं, वहाँ तो राम राजा राम प्रजा कहते हैं, दुख की बात ही नहीं, किसको दुख देना भी पाप है। वहाँ फिर यह रावण हनुमान आदि कहाँ से आए। तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात, गॉड फादर कहते हो तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। फिर तो फादरहुड हो जाता है, सब फादर ही फादर तो हो ना सके। अब तुम बच्चों को यह समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वह भी शास्त्रादि जो सुनाते हैं कमाई के लिए, शिव बाबा तो यह शास्त्रादि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वह है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, वह सत है चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित यह सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है, वह समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ती जाती है, नर चाहत कुछ और, उनका प्लान है सब विनाश के लिए, ईश्वर का प्लान क्या है सो अब तुम जानते हो। बाप आए ही हैं झूठ खंड को सचखंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं, तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलने चाहिए, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। यह है नई बात, इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो, यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है, कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना। तुमको भी यह पुराना शरीर छोड़ना है, अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत हैं जो विकारों बिगड़ रह नहीं सकते। बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो, अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। यह शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं, सतयुग त्रेता में यह विकार होते नहीं। वहां भी यह हो तो बाकी उनको स्वर्ग इनको नर्क क्यों कहा जाए। बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है, हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर है उतरती कला, कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है, यह छी छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है, बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं, राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। यह नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए, फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए यह भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, तो वह निश्चय बैठ गया, कहने लगा इस खिड़की से कैसे निकलूं। यह बात है तुम्हारे लिए, तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ, यह कहने से बच जाएंगे। बनाने वाला जरूर चाहिए, यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज,
जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह ना सकें कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर घर बैठो, पढ़ाए बिगर वर्षा मिल ना सके। गॉड फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते हैं फुर्सत नहीं। बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो, एक घड़ी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद करो, कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं, सिर्फ सवेरे उठ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो, रहम दिल बन जितना औरों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है, जिसके पास बहुत धन है वह कहते हैं फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहां गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्माभिमानी होकर रहना है, इस सड़ी हुई जुत्ती शरीर का अभिमान छोड़ देना है। नंबर दो, रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते सदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने, नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें व्यर्थ कर्म न सुने न करें और न बोलें, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है, इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावना दो, शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। श्लोगन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शिव बाबा की मुरली रोज आपके पास पहुंचे। ओम शांति।